पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। उनकी भारत से लेकर पाकिस्तान तक में उनके बयान की आलोचना होने लगी, जिसके बाद अब रजाक ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की टीम के परफॉर्मेंस की आलोचना करने के दौरान भारतीय एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का अपमान किया। रजाक के बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भी इस पर आपत्ति जताई। अब रजाक ने इस पर माफी मांगी है। अब्दुल रजाक ने विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली है। रजाक ने वीडियो जारी कर कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने वीडियो में कहा, कल हम बात कर रहे थे क्रिकेट कोचिंग और इरादों की, मेरी जुबान फिसल गई और मैंने गलती से ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे माफी मांगता हूँ, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रजाक के साथ शाहिद अफरीदी और उमर गुल भी थे। रजाक ने कहा था, यहाँ मैं उनके पीसीबी के यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के इरादे का जिक्र कर रहा हूँ। जब मैं खेल रहा था तो मुझे अपने कप्तान यूनिस खान के अच्छे इरादों के बारे में पता था, इससे मुझे ताकत और आत्मविश्वास मिला और अल्लाह की मदद से मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहा। रजाक ने आगे कहा था, मेरी माँ ने तो हमारा वास्तव में खिलाड़ियों को सुधारने और आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपकी सोच है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूँगा और फिर नेक और गुणवान बच्चे पैदा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले ही नीयत ठीक करनी होगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड की।